चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। तीन कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर पकड़ा गया है आरोपी, बयान से पलट गया है। तो किसानों ने मारपीट कर जबरदस्ती बनवाई है झूठी कहानी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। तीन कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी। सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं, लेकिन देर रात के घटनाक्रम के बाद इस पूरे आंदोलन में एक अलग करवट ले ली है। चूंकि किसान नेताओं ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था, जिस पर किसान आंदोलन में हिंसा करने के आरोप किसान नेताओं की ओर से लगाए गए थे और उस शख्स को मीडिया के सामने किसान लेकर आए थे और ये दावा भी किया गया था कि हरियाणा पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर उनके साथ मिला हुआ है। उन्हें मुख्य मंच पर चार किसान नेताओं की हत्या करनी है, 26 जनवरी को हिंसा करनी थी, लेकिन इन सभी अटकलों के बाद सोनीपत पुलिस के सामने युवक ने एक बार फिर से अपने बयानों से पलटी मारते हुए कहा कि उन्होंने मीडिया के सामने जो कहा वो किसानों के दबाव में कहा था, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। तो बयान से पलटा है आरोपी, संदिग्ध अपने बयान से पलट गया। उसका कहना है कि उसने दबाव में आकर बयान दिया। मैं सोनीपत का योगेश सिंह, 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहां पे गया था। मैं दिल्ली बस डीटीसी बस में आया था, और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख की शाम को 4:30 बजे उन्होंने, मैं वहाँ पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है, हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था। उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, इस लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वेंट उतार के काफ़ी मारा, फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा जो तू जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया, उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई, उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बनाई, वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पर बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ चार लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा तब भी मुझे मारे, वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई, मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जो जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहाँ से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहाँ पर दो चार लड़के हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मारा था, इतना ज़्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है, तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा और वहाँ जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए, अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पर एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आँख पे भी है, उन्होंने मुझे थप्पड़ उप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना है, मैंने कहा ठीक है सर मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहाँ पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस ले गई यहाँ पे